आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी वाइज पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी दैट इज फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के बारे में। कंपनी का डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विद यूरिया कैन एंड एनपी इन इट। ओवरऑल कंपनी ने सीवर 23 में 2.8 मिलियन टन की सेल्स की थी और इन हायर सेल्स के पीछे रीजनिंग कंपनी के शेखुपुरा वाले प्लांट दैट इज़ फातिमा फर्ट के प्लांट को कंटिन्यूस गैस की अवेलेबिलिटी थी मार्च फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। ओवरऑल ECC ने तो सिर्फ मार्च 24 तक ही गैस अवेलेबिलिटी का अप्रूवल दिया है कंपनी के फातिमा फर्ट के प्लांट के लिए, लेकिन IMF की शर्त पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र पे यूरिया सब्सिडी ना देने की वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैस की अवेलेबिलिटी जारी रहेगी। जबकि ओवरऑल इस रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्लांट की ओवरऑल कैपेसिटी अपने बेस केस में ओनली 70% ही रखी है, जिसके मद्देनज़र हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी की टोटल सेल्स टू CY24 में 2.5 मिलियन टन रहेंगी। इसके साथ ही 1 लाख टन के आसपास डैप की सेल्स भी रहेंगी जो कि मजीद टॉपलाइन को बूस्ट करेंगी। फिलहाल कंपनी के सादकाबाद प्लांट को जो कि यूरिया कैपेसिटी का इफेक्टिव 51% बनता है मारी गैस नेटवर्क पे है और गैस की प्राइसेस 580 फॉर द फीड एंड 1580 रुपीज़ पर MMBTU फॉर फ्यूल गैस करंटली है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सुई नेटवर्क गैस कंपनीज की तरह गैस प्राइस रिवाइज होगी और ये गैस प्राइजेस भी बोथ फॉर द फीड एंड द फ्यूल 1597 रुपीज़ पर MMBTU पे चली जाएगी जो कि हमने अपने बेस केस में फ्रॉम सेकंड क्वार्टर CY24 इफेक्टिव लिया है। इस गैस प्राइस इंक्रीज़ के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी अपने गैस इंक्रीज पास ऑन करेगी कंज्यूमर पे और अपनी यूरिया की पर बैग प्राइस तकरीबन 5000 रुपीज़ पर बैग पे ले जाएगी जो करंटली 3900 टू 4000 रुपीज़ पर बैग पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो शेखुपुरा वाला प्लांट है वो सिस्टम गैस और RLNG के मिक्स पे चल रहा है जिसकी इफेक्टिव प्राइसिंग तकरीबन 5.6 टू $5.8 पर MMBTU आफ्टर RLNG पे सब्सिडाइज पोर्शन के बाद आती है, जो कि हम इस हायर प्राइस की वजह से ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CY24 में कंपनी के ग्रोस मार्जिन्स 28% पे चले जाएंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर कंपनी ने अपने बोरिंग भी काफ़ी कम की है, जहां December 22 के अकाउंट्स में कंपनी का टोटल डेट 25.5 बिलियन पे था उसे रिड्यूस करके एज ऑफ सितंबर एंड 13.1 बिलियन पे ले गए हैं। इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि CY24 में कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट तकरीबन हाफ हो जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की वजह से अदर इनकम भी एलिवेटेड ही रहेगी। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड के 1.25 बिलियन NRL में इन्वेस्टमेंट और 7.7 बिलियन की रीट में इन्वेस्टमेंट की वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी डाइवर्सिफाई होंगे। ओवरऑल कंपनी में हमारी December 24 की टारगेट प्राइस 47 रुपीज़ पर शेयर की है जो कि लास्ट एक क्लोजिंग प्राइस पर 21% की अपसाइड पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। साथ ही CY24 पे 14% का डिविडेंड शील्ड भी बनता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो us on other social media handles. Thank you.